43% टीचर्स इंडिया में ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग से सेटिस्फाइड नहीं हैं और नाखुश नज़र आ रहे हैं। नमस्कार, मैं ही आनेजा और आप देख रहे हैं जेके मीडिया। हाल ही में एक सर्वे हुआ, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने अपना पहला जर्नल जो है वो निकाला, जिसके तहत उन्होंने सर्वे का जो नाम दिया गया, मैं आपको बता दूँ, चिल्ड्रन फर्स्ट जर्नल ऑन चिल्ड्रंस लाइफ के ऊपर जो है ये ऑनलाइन सर्वे किया गया और पूरी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई कि कितने ज़्यादा टीचर्स जो हैं वो नाखुश हैं ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग से। बात करें अगर कोविड पेंडेमिक की, तो पेंडेमिक के चलते ये कहीं ना कहीं ज़रूरी हो गया था कि बच्चों को जो है वो पढ़ाई करवाई जाए ऑनलाइन मोड का सहारा जो है वो पूरे भारतवर्ष को या बात करें अगर पूरी दुनिया को ही ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग का सहारा लेना पड़ा कि ऑनलाइन या डिजिटल तरीकों से बच्चों की पढ़ाई करवाई जाए ताकि उनकी पढ़ाई के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना हो। पर सामने ये आया, जब सर्वे किया गया तो सामने ये आया कि इंडिया में टीचर्स जो हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग से जिस तरीके से इस समय पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन मोड से, टीचर्स कह रही हैं कि बिल्कुल भी बच्चे जो हैं इसमें प्रॉपरली पढ़ाई नहीं कर पाते, सही तरीके से जो हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे की इश्यूज़ जो हैं वो सामने आए, इस सर्वे में मेंशन किए गए थे कुछ की इश्यूज़ और कितने परसेंट टीचर्स ने कितने की इश्यूज़ को एक मेजर रीज़न बताया कि वो क्यों नाखुश हैं। आपको बता दें कि 14% टीचर्स ने एब्सेंटिज्म को जो है वो एक की इशू कंसीडर किया। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स नॉट बीइंग कंसीडर्ड 21%, और 28% टीचर्स ऐसे रहे जिन्होंने कहा कि जो बच्चों का अटेंशन का स्पैन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि अगर नॉर्मल ऑफलाइन मोड ऑफ क्लासेस से कंपेयर किया जाए तो वहाँ बच्चा जो है वो अटेंशन दे पाता है, पर ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो बहुत सारे ऐसे कारण बच जाते हैं कि बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन में इस तरीके से अटेंशन नहीं दे पाते जितनी उन्हें देनी चाहिए। कोई भी कारण जो हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन अगर पढ़ाई करते हैं तो बच्चों के डिस्ट्रैक्शन के बहुत ज़्यादा कारण बन जाते हैं, चाहे वो नोटिफिकेशंस हो, चाहे वो इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ भी ऐसे कारण जो है वो बन जाते हैं जिसकी वजह से अटेंशन जो है वो बच्चे प्रॉपरली नहीं दे पा रहे क्लासेस में। 28% टीचर्स का ये मानना है। बात करें अगर 19% टीचर्स का ये मानना है कि इमोशनल इश्यूज जो बच्चे एक्सप्रेस कर सकते थे एक ऑफलाइन मोड ऑफ क्लास मोड ऑफ टीचिंग के जरिए, वो ऑनलाइन मोड्स में बच्चे इतना इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और नो असेसमेंट और असाइनमेंट कम्प्लीशन बाय द स्टूडेंट्स, 10% टीचर्स का ये मानना है कि असाइनमेंट जो हैं वो टाइम पे कम्प्लीट नहीं होती, कोई भी रीजन जो हैं वो बता दिए जाते हैं, और असाइनमेंट्स प्रॉपर टाइम पे सबमिट नहीं की जाती। अगर ऑफलाइन मोड से कंपेयर किया जाए तो उस टाइम पे जो है वो असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट की जाती थी और बच्चे जो हैं उनका अटेंशन स्पैन भी बहुत ज़्यादा होता था, लो अटेंशन स्पैन जो है वो ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग में देखा गया अगर कंपेयर किया जाए ऑफलाइन मोड ऑफ टीचिंग से। तो वहीं बात करें असाइनमेंट कंप्लीशन की, तो 10% टीचर्स का ये मानना है कि असाइनमेंट्स टाइम पे कंप्लीट नहीं होती। 14% टीचर्स का मानना है कि एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा है, यानी कि बच्चे एब्सेंट बहुत रहते हैं इन क्लासेस में। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स नॉट बीइंग कंसीडर्ड 21% टीचर्स का ये मानना है। 28% टीचर्स का मानना है कि लो अटेंशन स्पैन है स्टूडेंट्स का। 19% टीचर्स का मानना है कि इमोशनल इश्यूज जो हैं वो स्टूडेंट्स सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। वहीं इस सर्वे के लिए 220 स्कूल टीचर्स को जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और 20 लोगों को इंक्लूड किया गया जिनके इंटरव्यू लिए गए, जिसमें से 8 टीचर्स थे। उनका इस ऑनलाइन सर्वे के लिए इंटरव्यू किया गया जो कि दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के पहले जर्नल में पब्लिश हुआ, और सामने ये आया कि टीचर्स से जब बात की गई, जब उनका इंटरव्यू लिया गया, तो सामने ये आया कि जब ऑफलाइन मोड ऑफ एजुकेशन होती थी तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं उनका भी इंट्रैक्शन होता था, और पेरेंट्स के इंट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन से शायद इतना नहीं हो पा रहा। पर कोविड पेंडेमिक की बात करें तो ये कहीं ना कहीं नेसेसरी भी था, ये बहुत ज़रूरी था कि बच्चों को जो है वो पढ़ाई करवाई जाए। वहीं अगर ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे कारण बनते हैं कि बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाते, और सबसे बड़ा कारण जो है वो इंटरनेट को लेके, कनेक्शन को लेके प्रॉब्लम्स हैं, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स हैं। सामने यह आया कि ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन पूरे बहुत बड़े लेवल पे जो है वो की जा रही है, जिसके लिए प्रॉपर डिजिटल कनेक्टिविटी होना, हर एक के पास एक्सेसिबिलिटी होना और अफोर्ड कर पाएं वो डिजिटल मोड ऑफ एजुकेशन, ये सब पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पर ये सब चीज़ें नहीं होने के चलते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है टीचर्स और बच्चों के लिए। और साथ ही साथ बच्चों से भी बात की गई और बच्चों ने भी ये एक्सप्रेस किया कि किस तरीके से जो है वो अपने क्लासेस को मिस कर रहे हैं, जिस तरीके से फ्रेंडशिप होती थी या फिर फ्रेंड से मिलना
होता था हर दिन का, या फिर असाइनमेंट्स जो हैं वो आराम से मिल बांट के कर पाते थे, या फिर सेलिब्रेशंस होती थी, लोगों से इंटरेक्ट कर पाते थे। बात करें अगर फेस्टिवल्स की, वो स्कूल्स में मनाए जाते थे, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्कूल्स में मनाई जाती थी। तो ये सब चीज़ें भी जो हैं वो बच्चे भी मिस कर रहे हैं। और सर्वे में ऐसी कुछ चीज़ें निकल के सामने आई जहाँ टीचर्स भी जो हैं वो नाखुश नज़र आए। 43% टीचर्स जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हैं, और 10% जो हैं वो बिल्कुल ही अनहैप्पी जो हैं, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं हैं, कम्प्लीटली डिससेटिस्फैक्ट्री है, और 43% जो है वो नाखुश नज़र आए। तो चलिए फिलहाल का बड़ा अपडेट यही, हाल ही में एक सर्वे हुआ जिसके तहत टीचर्स जो हैं लगभग इंडिया में 43% टीचर्स ऐसे रहे जिन्होंने कहा कि ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन जो है उससे वो बिल्कुल नाखुश हैं, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।